हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। हम शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स क्लास ट्वेल्थ के लिए, और हमारा टारगेट है कि हमें 95% से ज़्यादा मार्क्स लाने ही लाने हैं। उसके लिए पूरा आपको प्लान मैं समझा चुका हूँ अपना लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, और आज है आपके चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेज वाले चैप्टर का पहला टॉपिक। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों चार्ज और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़। जो स्टार्टिंग का इसका टॉपिक है बच्चों, वो चार्ज से रिलेटेड है। चार्ज क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो सब पढ़ने के बाद फिर हम लोग चलेंगे कूलम लॉ को समझने के लिए। तो आज की क्लास में तो हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उस पर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है? ठीक है, चार्ज क्या होता है बच्चों, उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर। जिस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता ही है, आप 9th में भी पढ़ चुके हो, 11th में भी पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी बात कि चार्ज होता क्या है। तो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम का स्ट्रक्चर। वाह, क्या बात बताई सर, ये तो हमको पता ही है, ये तो मैंने ट्रांसलेट कर दिया। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम का स्ट्रक्चर। हाँ, तो एटम का स्ट्रक्चर ही मैं बताने जा रहा हूँ आपको कैसा होता है। याद करो कैसा था एटम का स्ट्रक्चर। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और उसके अराउंड कंसेंट्रिक शेल्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो कि बात पूरी तरह से सच नहीं है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। जितनी भी ये थ्योरीज बनाई जा रही है ना बच्चों, ये सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको बात समझ में आ जाए, है ना। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि ग्रेविटी है, अब हमें क्या पता ग्रेविटी है या नहीं है, या वो कोई और चीज़ है, या उसका नेचर क्या है, बट हमारा काम चल जाता है कि चीज़ नीचे गिर रही है, समझ में आ गया ग्रेविटी सुन के। न्यूटन ने बोला कि भैया अर्थ है, चीज़ों को खींच रही है अपनी तरफ। तो एक्सप्लेन कर दिया, मतलब फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया। तो हम उस डेप्थ में नहीं जा रहे कि नहीं नहीं ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी नहीं है तो फिर क्या है, तुम एक्सप्लेन कर, है ना। तो इस पे हम डिबेट कर लें कि नहीं ऐसा नहीं होता, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में तो बदल गया एटम का स्ट्रक्चर। बट हमें जो चीज़ समझनी है, जो 9th में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, उससे बात पूरी समझ में आ जाएगी। तो हमारे लिए तो यही है एटम का स्ट्रक्चर, जिसमें कि सेंटर में कोर होता है, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना, आपको मालूम है। और इसके न्यूक्लियस के अराउंड कंसेंट्रिक सर्कुलर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक सोलर सिस्टम में सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। बहुत बार तुमने सोचा भी होगा या ऐसी बातें सुने भी होंगी कि यार हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसी दूसरे यूनिवर्स का एटम ही तो नहीं है, या वो किसी बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल है, सेल के अंदर एक एटम है वो तो नहीं हो सकता है। मतलब क्यों नहीं हो सकता, पॉसिबल है। हम ये बोले यार कि ये एटम इतना बड़ा कैसे हो सकता है, तो वो हमारी मेंटल लिमिटेशन की वजह से होगा ना। हो सकता है खुद हमारी बॉडी में, हमारे आसपास की चीज़ों में जो एटम्स हैं वो खुद कोई दूसरे यूनिवर्स के सोलर सिस्टम्स हों, और ये खुद अपने आप में छोटे छोटे प्लैनेट्स हों। ठीक है, हो सकता है, खैर छोड़ो उसको, हमें क्या करना। तो हम अपने वापस चार्ज पे आएं, क्योंकि हमें 95% से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट प्रिपरेशन करनी है। और ये प्रिपरेशन CBSE एग्ज़ाम के लिए है, तो ये CBSE एग्ज़ाम के सिलेबस से इधर नहीं जाएगी और इधर नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ CBSE एग्ज़ाम पे फोकस किया जा रहा है बच्चों। JEE और NEET के लिए जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी दूसरे प्लेलिस्ट्स में चल रहे हैं, है ना। दिस इज़ फॉर CBSE ओनली। तो जिनका CBSE में टारगेट है 95% लाने का, उनके लिए ये लेक्चर है। तो चलो वापस आ जाएं इस पे। बच्चों होता क्या है कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, है ना, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सब में एटम्स हैं। और एटम का स्ट्रक्चर सब में ऐसा ही है भाई, सेंट्रल कोर में उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो क्या होता है कि
अब अगर सबका सब में मतलब एटम्स ऐसे ही हैं तो सारी चीज़ें देखने में अलग क्यों हैं, सबकी प्रॉपर्टीज अलग क्यों हैं, कोई हार्ड है कोई सॉफ्ट है? उसका रीज़न तो ये है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन सारे एक जैसे नहीं है, मतलब किसी में दो शेल है, किसी में चार शेल है, किसी के एटम छोटे हैं किसी के बड़े हैं, तो किसी में एटम टाइटली पैक्ड हैं लूजली पैक्ड हैं ना, वो केमिस्ट्री का काम है, वो तुमने पढ़ा होगा वहाँ पर। बट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ इस तरह के एटम्स, तो फिर सब में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, है ना। और ऐसा हो सकता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है जैसे, ये तो बहुत पास है न्यूक्लियस के, ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है न्यूक्लियस के, एक यहाँ पे शेल हो सकती है जिसका इलेक्ट्रॉन और दूर हो न्यूक्लियस से, तो क्या होगा? जो जितना दूर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज इसलिए क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स जो है उनका कोई चार्ज नहीं होता, तो ओवरऑल क्या बना, ये पॉजिटिवली चार्ज। अभी तो मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि पॉजिटिवली चार्ज बात का मतलब क्या होता है, बिकॉज हम लोग चार्ज ही तो पढ़ रहे हैं ना, तो हमको सिर्फ ऐसे बोल के नहीं हटना कि पॉजिटिवली चार्ज्ड। मैं बताऊंगा तुमको कि पॉजिटिवली चार्ज्ड मतलब क्या, लेकिन क्योंकि तुम 9th में भी ये सब टर्म्स पढ़ चुके हो, 10th में भी पढ़ चुके हो, तो तुम्हें फिलहाल जो मैं समझाना चाह रहा हूँ पॉजिटिवली चार्ज्ड सुन के वो समझ में आ जाएगा, तो 2 मिनट रुको फिर असली बात भी करेंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल न्यूक्लियस का जो चार्ज हुआ वो पॉजिटिव हुआ, क्योंकि न्यूट्रॉन तो जो है वो न्यूट्रल है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ओवरऑल इसका चार्ज हुआ पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इन दोनों में भी अट्रैक्शन है, इन दोनों में भी अट्रैक्शन है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इन दोनों में जो अट्रैक्शन है वो इन दोनों की अट्रैक्शन से वीक होगी, क्योंकि ये दूर है, दूर जाएगा तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होगा। और सोचो एक थर्ड शेल होती, फोर्थ होती, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो और लूजली पैक्ड होते, है ना, उनको और कम फोर्स से अट्रैक्ट करता न्यूक्लियस। तो क्या होता है कि जितनी दूर होता है इलेक्ट्रॉन, उसको एटम से रिमूव करना उतना ईजी होता है। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि रिमूव करना मतलब क्या, क्यों रिमूव होगा वो, तो हमें क्या करना होता है कि एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी होती है ना। एनर्जी उसको मिलेगी, अब भाई वो बंधा ही क्यों हुआ है, कि कोई उसको बोलेगा कि चल निकल बाहर एटम से, तो इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, अरे नहीं यार वो पकड़ के रखा हुआ है, अच्छा तुम खींच लो, तुम इतना तेज खींच लो कि वो ना खींच पा रहा हो, है ना। तो जो खींचेगा उसे एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं, तो हम एनर्जी देते हैं जब इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को छुड़ाया जा सकता है एटम से, इसको भी छुड़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बाहर वाले कोई, लेकिन इसको छुड़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको छुड़ाने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई जब मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए सपोज किसी काम में, तो मैं किसको प्रेफर करूंगा, मैं तो जो दूर होगा उसको प्रेफर करूंगा, पास वाले को क्यों प्रेफर करूंगा, मैं तो चाहूंगा भी कम से कम एनर्जी दे के मेरा काम चल जाए, है ना। तो कम से कम एनर्जी में हम अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो हमें बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो सबसे इजीली रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी और वो रिमूव हो जाएगा। अब एनर्जी दें कैसे, तो एनर्जी देने के बच्चों कई तरीके हो सकते हैं, लाइट से दी जा सकती है, हीट से दी जा सकती है, कुछ चीज़ों में इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर इतना लूजली पैक्ड हैं कि अगर उन्हें रब भी किया जाए, उन दो बॉडीज को रब भी किया जाए आपस में, तो रब करने से क्या होता है, देखो कोई भी दो सरफेसेस हैं उनमें फ्रिक्शन है, तो जब तुम रब करते हो तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करते हो, ऐसे कैसे रब हो जाएगा भैया, फ्रिक्शन रोक रहा है ना एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर इसको रगड़ने से रोक रहा है, तो जब तुम इसको रगड़ोगे तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा तो कहाँ गया भाई, काम तुमने करा तो एनर्जी तो रिलीज हुई, तुम्हारी कम हुई ना, मतलब भाई तुम्हारी कम हुई तो गई कहाँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि भैया अगर तुम्हारी एनर्जी कम हुई है तो कहीं बड़ी भी होगी, ऐसा नहीं कि तुम्हारी कम होगी डिस्ट्रॉय होगी, ये तो कहता है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो तुमने इसको रब करने के लिए जो एनर्जी खर्च की वो हीट की फॉर्म में निकलती है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी खर्च होती है बच्चों वो हीट की फॉर्म में निकलती है, उस हीट एनर्जी को यूज करके इसके या इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं अगर वो लूजली पैक्ड हो। तो भाई इतनी तो कोई बहुत ज्यादा एनर्जी तो इससे रिलीज हो नहीं रही, थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज हो रही है, तो क्या होगा कि अगर ये कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली पैक्ड हो तो फिर रब करने से बाहर आ सकता है,
है ना। पुराने ज़माने में लोगों ने यही देखा कि जो अंबर होता है, AMBER, ये एक सब्सटेंस होता है पेड़ों से जो मिलता है, अगर उसको छोटी मोटी चीज़ों के साथ रब किया जाए, किसी प्लास्टिक रॉड के साथ, किसी कपड़े के साथ, मतलब सिल्क क्लॉथ के साथ या वूलन क्लॉथ के साथ, तो क्या करता है वो एम्बर छोटी मोटे पीसीस को, छोटी मोटी हल्की हल्की चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ये बात बहुत पहले से पता थी, ठीक है। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आपको बताएं, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया इलेक्ट्रॉन विद के से, हमारे वाले इलेक्ट्रॉन में तो सी होता है, इलेक्ट्रॉन विद के से, और इसका मतलब होता है अंबर। मतलब 2000 साल से लोगों को इस बारे में तो पता है, लेकिन इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन बहुत रिसेंटली ही मिली है। रिसेंटली मतलब कि 200-300 साल पहले, साइंस में तो मतलब ह्यूमन टाइमलाइन को देखें तो रिसेंट ही हुआ है ना। तो पता चला कि यार रब करने से हो क्या रहा है एक्चुअली में। रब करने से क्या हो रहा है बच्चों? रब करने से एक बॉडी, दो बॉडीज को मैंने आपस में रब किया तो उनमें से कोई एक बॉडी होगी जिसके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा लूजली पैक्ड होंगे एज कंपेयर टू अदर बॉडी, है ना। तो जिसके लूजली पैक्ड हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएंगे बेचारे? दूसरी वाली में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए और बी, ए और बी ये दो बॉडीज हैं, है ना। इन दोनों को हमने आपस में रब किया, ऑब्वियसली ये डिफरेंट नेचर की बॉडीज हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स के पैक होने की एटम्स में जो स्ट्रेंथ होगी वो डिफरेंट होगी। दोनों डिफरेंट नेचर की बॉडीज है ना, डिफरेंट बॉडीज हैं मतलब। सो जब तुमने इनको रब किया तो जैसे इसके एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स लूजली पैक्ड हैं एज कंपेयर टू इसके एटम्स, तो जब रब करने से जो एनर्जी पैदा होगी तो पहले किसका निकलेगा? इसका निकलेगा ना। तो जब तुमने रब किया तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके इधर जाना शुरू कर दिए, ठीक। और नॉर्मली क्या होता है, तुमको पता होगा कि एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, एटम का अपना कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं बच्चों उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 20 प्रोटॉन है तो 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज जितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। एक प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो सोचो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, उस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उस पे उतना नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल एटम का चार्ज क्या होता है? जीरो, ठीक है। तो नॉर्मली हर चीज न्यूट्रल होती है बिकॉज दैट थिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम न्यूट्रल है तो ये पूरा न्यूट्रल था। अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चले गए, प्रोटॉन तो नहीं निकले। प्रोटॉन तो भैया न्यूक्लियस के अंदर टाइटली पैक्ड है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर टाइटली पैक्ड होता है विद द हेल्प ऑफ अ फोर्स विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। बड़ी प्यारी फोर्स है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट ये समझ लो कि प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकालना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए, रब वब करने से नहीं निकलता। तो रब करने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होकर ए से बी पे चले गए। ये भी पहले न्यूट्रल थी, ये भी पहले न्यूट्रल थी, लेकिन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचने से ये नेगेटिवली चार्ज हो गई और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। हालांकि इस पे कुछ आया नहीं है, इस पे तो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आए जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। लेकिन इस पे क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल के गए। पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे, लेकिन अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहां चले गए, तो एज कंपेयर टू जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स बचे, एज कंपेयर टू दैट इसमें प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हो गए, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगी। बिकॉज हम अभी पढ़ने वाले हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी के अंदर इसको दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। दिस इज बेसिकली चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बात करते हैं हम इसकी, हम बात करेंगे कि इसमें फिर हमें ये क्या पता चला, अभी हमारी डिस्कशन हुई नहीं इस बात पे कि चार्ज क्या होता है ना। तो हमने जब देखा ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब दो बॉडीज को रब करा और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगी, ऐसा क्या हो रहा है भैया, समझाना तो पड़े,
साइंस का मतलब यही है ना कि ग्रेविटी समझाई है, ये समझा है, वो समझा है, इसका साइंस का मतलब ये है कि जो चीज़ तुम ऑब्जर्व कर रहे हो उसको एक्सप्लेन तो करो कि क्या होता। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है ना। लेकिन हम इसको चलते हैं वापस, ये तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता रहा था, थोड़ा सा उसके साथ मैंने बात जोड़ दी ताकि आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को। अब हम चलते हैं वापस और इस चीज़ की बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है। अब जब साइंटिस्ट्स ने देखा, जब एटम का स्ट्रक्चर उन्होंने देखा और उन्होंने देखा यार इसमें प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, तो उनको बड़ी मज़ेदार बात पता चली। उन्होंने देखा कि ये जो इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम से भी जो छोटे हैं, जो एटम के अंदर हैं, उनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं ये एक दूसरे को कुछ पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे थे, कुछ रिपेल कर रहे थे, कुछ कुछ भी नहीं कर रहे थे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से बहुत सारे होते हैं, जैसे अभी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करी, आगे हम लोग और भी पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल हम इन्हीं तीनों पर फोकस करते हैं। तो उन्होंने देखा कि यार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, और इन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में से कोई भी पार्टिकल न्यूट्रॉन के साथ ना अट्रैक्ट हो रहा ना रिपेल हो रहा। अब उन्होंने सोचा यार क्या करें। और वैसे भी कितने ही केसेस में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रब करके ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, बट यही ऑब्जेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट को रिपेल करने लगता है। जैसे अगर हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करें, या फिर प्लास्टिक रॉड और सिल्क क्लॉथ को, या प्लास्टिक रॉड और वूलन क्लॉथ को, या ग्लास रॉड और वूलन क्लॉथ को रब करें, तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले जाते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक रॉड को एक क्लॉथ के साथ रब कर रहा हूँ, फिर मैंने क्लॉथ को उठा के रख दिया, फिर मैंने दूसरा क्लॉथ लिया प्लास्टिक रॉड को उस क्लॉथ के साथ, एक दूसरी प्लास्टिक रॉड को उस क्लॉथ के साथ रब किया। अब पहली वाली प्लास्टिक रॉड और दूसरी वाली प्लास्टिक रॉड पे तो सेम ही चार्ज आएगा ना, मतलब अगर इस प्लास्टिक रॉड से निकल के इलेक्ट्रॉन उस पे गए हैं तो दूसरी वाली से भी उसी पे जाएंगे, क्योंकि मैंने सेम ऑब्जेक्ट लिए, तो प्लास्टिक रॉड्स पे सेम चार्ज आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों रिपेल करी। प्लास्टिक रॉड और जो क्लॉथ रब किया वो अट्रैक्ट करे, क्योंकि उन पे अलग अलग चार्ज आया। तो इस तरीके से कई एक्सपेरिमेंट्स किए, एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ नोट्स में मैं इंक्लूड कर दूंगा, प्लास्टिक बॉल्स के साथ, पिथ बॉल के साथ, स्ट्रे बॉल्स स्ट्रे के साथ, सॉरी स्ट्रॉ के साथ, और ग्लास रॉड के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, वूलन क्लॉथ के साथ। इनफैक्ट अगर आप खुद भी करना चाहो तो घर में बहुत ईजिली आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, स्ट्रॉ तो सबके घर में होती है, तो स्ट्रॉ को लेके आप एक क्लॉथ पे रब करो और आप देखोगे कि वो स्ट्रॉ जो है वो पतले पतले पीसीस को कागज के अट्रैक्ट करता है। अब ये जरूर सवाल है कि पेपर कहाँ से आ गया इसमें बीच में, पेपर को तो हमने कहीं पर भी रब नहीं किया, तो स्ट्रॉ उसको क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूट्रल चीज़ को भी क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब पेपर को तो कहीं पर रब नहीं किया तो वो तो न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल चीज़ को भी क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक। लेकिन अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करो तो आप देखोगे कि वो स्ट्रॉ जो है वो पेपर पीसीस को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप अपने सर में कंघी मार के देखोगे तो वो पेपर पीसीस को अट्रैक्ट करती है। अगर आप एक पेपर लेकर उस पर आयरनिंग करके थोड़ी सी उस पेपर को किसी टीवी स्क्रीन के पास लेके जाओगे तो वो टीवी स्क्रीन उसको अट्रैक्ट करता है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं बच्चों, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, सॉरी नॉट प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर की वजह से होता है, जिससे एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाली पॉजिटिव चार्ज वाली को रिपेल करेगी। तो ऐसा कितना सारा फिनोमिना था जो साइंटिस्ट्स को एक्सप्लेन करना था। तो जब उन्होंने देखा कि यार एटम इज मेड अप ऑफ दिस थ्री पार्टिकल्स और उन्होंने उस पर रिसर्च करी, तो उन्होंने देखा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। इसका मतलब है कोई फोर्स है दोनों के बीच में, है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जो ग्रेविटी तो नहीं हो सकती, तब तक ग्रेविटी के बारे में तो पता था जब ये रिसर्च चल रही थी, बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं हो सकती, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक, और वो थोड़ी बहुत स्ट्रांग तभी होती है जब ऑब्जेक्ट्स बहुत मैसिव होते हैं, यानी कम से कम दोनों नहीं तो एक ऑब्जेक्ट, जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स है उनमें से दोनों नहीं तो एक ऑब्जेक्ट तो कम से कम इस अर्थ के साइज का होना चाहिए, प्लैनेट के साइज का होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इतने छोटे छोटे, मतलब जिनका एग्जिस्टेंस भी नहीं है, जो मतलब माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते, वो दोनों एक दूसरे को इतनी स्ट्रांग फोर्स से अट्रैक्ट अगर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कोई नई फोर्स है जिसके बारे में हमें नहीं पता।
तो वो थी बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर फोर्स है तो वो फोर्स उस पार्टिकल की किसी प्रॉपर्टी की वजह से होगी, बिकॉज अगर सब में होती तो फिर तो न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है या प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रॉन तो नहीं हो रहा है अट्रैक्ट या रिपेल। इसका मतलब है ये फोर्स जो है पार्टिकल पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं पार्टिकल बदल देता हूं तो फोर्स का नेचर भी बदल रहा है, यानी ये पार्टिकल की किसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रही है। उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया बच्चों चार्ज का। उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया? चार्ज। तो हम बेसिकली चार्ज को डिफाइन ही इस तरीके से करते हैं, मतलब साइंटिस्ट्स ने यह बोला और आज की डेट में हम यही समझते हैं कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है पार्टिकल में जिसकी वजह से वो दूसरे पार्टिकल्स को, दूसरे पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करता है। इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ पार्टिकल एग्जर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर पार्टिकल। है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं हो सकती, फिर इतने छोटे छोटे नन्हे पार्टिकल्स में ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी कैसे? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं आ सकती इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में। और दूसरी बात ये है कि हमने देखा यार प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो रिपल्सिव होती ही नहीं। इसका मतलब है बिल्कुल नए टाइप की फोर्स है और ये एक नए टाइप की प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रही है बॉडी के। उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया चार्ज का। हम उसको कोई भी नाम दे सकते थे बट हमने उसको नाम दिया चार्ज का। और एक्सपेरिमेंट से हमें यह भी पता चल रहा है कि चार्ज एक टाइप का नहीं होता, दो टाइप का होता है, बिकॉज जैसे ही मैंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हटा के इसकी जगह प्रोटॉन रखा तो रिपल्शन हो गई, है ना। तो कई एक्सपेरिमेंट्स हमने इस तरीके से किए तो हमें बात समझ में आई कि यार चार्ज एक टाइप का नहीं होता, चार्ज होता है दो टाइप का। और हमने उन दो टाइप्स को नाम दिए पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने नाम दिए। देखो हम उसको उनको कुछ भी नाम दे सकते थे, है ना, हम उनको अल्फा बीटा बोल सकते थे, अल्फा ओमेगा बोल सकते थे, जो भी बोलना चाहे था बोल सकते थे, लेकिन हमने उनको क्या नाम दिया? पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको सुन के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैथ्स वाला पॉजिटिव नेगेटिव है, नहीं। हाँ, जब हमें थोड़ा मैथमेटिक्स इसमें लगाना हो, एडिटिविटी वगैरह या न्यूमेरिकल्स करने हो, तो ये मैथमेटिक्स भी लग जाता है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नेगेटिव नंबर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, बट वो सेकेंडरी बात है। वो एडवांटेज है कि हाँ चलो ऐसा हो गया, या फिर हमने दिमाग लगा के इनका नाम रखा पॉजिटिव नेगेटिव, बट फिलहाल पॉजिटिव नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं नेचर को। मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है उसका नेचर अलग है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नेचर अलग है। समझ में आई बात? अगर मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरा कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का जो नेचर है वो अपोजिट है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन से कम है, नहीं, क्योंकि मैथ्स में तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से छोटा होता है, नहीं। इलेक्ट्रॉन पे जब मैं कह रहा हूँ चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का नेचर अलग है, प्रोटॉन पे अलग है। ठीक है, और बात करते हैं इस बारे में। SI यूनिट ऑफ चार्ज, बच्चों चार्ज की स्टैंडर्ड यूनिट होती है कूलम, जिसका सिंबल होता है कैपिटल सी। ठीक है, चार्ज की स्टैंडर्ड यूनिट है कूलम, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट
कूलम, जिन्होंने कूलम लॉ दिया था, आगे बात करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसका सिंबल है कैपिटल सी। सिंबल ऑफ चार्ज हम लोग लेने वाले हैं पूरे सिलेबस में बच्चों, सिंबल ऑफ चार्ज हम लेने वाले हैं कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू, ठीक। डाइमेंशंस ऑफ चार्ज होने वाली है बच्चों ए टी, ए फॉर एम्पियर, टी फॉर टाइम। ये कहां से आई? अभी आगे ट्वेल्थ में ये फॉर्मूला आएगा, बट टेंथ में तो आप लोग पढ़ चुके हो कि जो चार्ज होता है क्यू वो होता है आई इंटू टी, है ना। करंट की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में टेंथ में, आई होता है क्यू डिवाइडेड बाई टी, है ना, आई होता है क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो क्यू क्या हुआ? आई इंटू टी। आई करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और उसकी यूनिट होती है एम्पियर, विच इज अ फंडामेंटल यूनिट जिसका सिंबल होता है कैपिटल ए। टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका सिंबल होता है कैपिटल टी। तो चार्ज की जो हमारी डायमेंशन है बच्चों वो यहां से आई है ए इंटू टी। समझ में आई बात? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है। ये सारे नोट्स आप यहाँ से नोट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये सारे नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस लिंक पे क्लिक करो और वहाँ सारे नोट्स आपको टाइप्ड फॉर्म में मिलेंगे। तो उसकी टेंशन मत लो कि बिकॉज होता क्या है ना कि लेक्चर में देखो मैं लिख कितना रहा हूँ और मैं बोल कितना रहा हूँ, जरा आप कंपेयर करो, मैं कितना कुछ बोला जा रहा हूँ, एक्सप्लेन किया जा रहा हूँ, है ना, और लिख तो मैं बहुत कम रहा हूँ जो मेन पॉइंट्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें भी जो मतलब बोल के मैंने बता दी लेकिन आपके पास रिवीजन के टाइम पे होनी चाहिए, तो वो सारे उन नोट्स में आपको मिल जाएगी जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। तो उस लिंक पे आप क्लिक करो, ये तो है ही सब वहाँ पे, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो मैं बोल रहा हूँ उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो भी वहाँ पे लिखा हुआ है, टू द पॉइंट कंप्लीट नोट्स, मतलब आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, इस चीज़ का इंतज़ाम है। सो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती बच्चों, ठीक है। सो दो टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसमें मैं फिर से एक बार आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप इनको मैथ वाला नेगेटिव मत मान लेना कि नेगेटिव छोटा है पॉजिटिव बड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी है ए जिस पे है मान लो +5 कूलम्ब चार्ज, मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि बच्चे गलती करते हैं ना, मैंने देखा है अपनी क्लासेस में, और एक दे रहा हूं बी जिसमें है -5 कूलम्ब चार्ज, तो इस पे चार्ज इससे छोटा नहीं है। अगर मैथमेटिकली बात करें तो -5 जो नंबर है वो +5 से कितना छोटा है, -5 जो है वो +5 से 10 यूनिट छोटा है। तो इस पे चार्ज इससे 10 यूनिट छोटा नहीं है। 5 देखो आप, 5 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों पे कितना है, 5। 5 का मतलब दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन इस पे नेचर अलग है चार्ज का और इस पे नेचर चार्ज का अलग है। समझ में आ गई बात? ठीक है। और देखो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज याद रखो 1 मिली कूलम, स्मॉल सी से लिखा जाएगा 1 मिली कूलम, बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मिली का आपको पता है 1/1000 होता है, तो 10^-3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 10^-6 कूलम, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा दी होती हैं यूनिट्स, क्योंकि छोटी यूनिट्स इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्टिकल्स पे जो चार्ज है वो बहुत छोटा होता है ना, तो छोटी यूनिट्स यहाँ पे ज़्यादा काम आती हैं। लेकिन बड़ी बड़ी बॉडीज हों ज़्यादा उन पे चार्ज हो तो बड़ी यूनिट भी हमको पता तो होनी चाहिए। 1 किलो कूलम, किलो का मतलब होता है 1000, तो 10^3 कूलम, 1 मेगा कूलम, 10^6 कूलम। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये चार्जेस की यूनिट्स हैं, इनको भी याद रखो, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको मिली कूलम में दिया है, माइक्रो कूलम में दिया है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना ये तो स्टैंडर्ड यूनिट है ना, क्योंकि वरना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे ना, कर पाओगे, गलती होगी इसमें, है ना। तो ये है,
चार्ज ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स। आगे आने वाली क्लासेस में नए नए पार्टिकल्स के बारे में बताऊंगा, उनके चार्जेस बताऊंगा और मासेस बताऊंगा। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का हम लोग सिंबल लेंगे बच्चों e की पावर नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, जो कि है माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन का हम लोग सिंबल लेंगे बच्चों p के ऊपर प्लस लगाएंगे, स्मॉल p के ऊपर प्लस लगाएंगे। एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, सो अब हम यहां पे देखें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज चार्ज की। पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं बता देता हूं आपको इसकी डेफिनेशन, नोट्स में दी हुई है, आप सुन लो सिर्फ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है बच्चों कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लो ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में बहुत सारी बॉडीज हैं, ठीक है, या बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और इन सब पे अपना अपना चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड सो ऑन। ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, टकरा रही हैं, टच हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे टोटल चार्ज देखूं तो टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6, है ना। इसकी कोई वैल्यू आएगी 20 कूलम, 25 कूलम, जो भी है, कि इस पे 1 कूलम है, इस पे 2 कूलम है, 5 कूलम है, तो इसकी कोई वैल्यू आएगी ऐड करके। अब क्या होगा कि जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगी, एक दूसरे को टच करेंगी, तो इनके आपस में चार्जेस चेंज होते रहेंगे, लेकिन टोटल हमेशा वही रहेगा जो पहले आया था। जैसे ये इससे टकराई, एक कूलम यहाँ ट्रांसफर हो गया, इसका एक कम हो गया तो उसका एक बढ़ गया, टोटल हमेशा सेम रहेगा। और इसमें आइसोलेटेड सिस्टम बोलने की क्या जरूरत है बच्चों? अगर ये बाहर किसी सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा हो तो वहां से तो चार्ज आ सकता है इस पे, फिर तो इसका चार्ज बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, ये अगर उसको चार्ज दे रहा है तो आइसोलेटेड सिस्टम में। लेकिन अगर जो दूसरी बॉडी से चार्ज आ रहा है उसको भी आप सिस्टम में इंक्लूड कर लो तो ये टोटल मिला के आइसोलेटेड हो गया, फिर इन दोनों का टोटल चार्ज सेम रहेगा, है ना। तो इस तरीके से सिस्टम में किसको डालना है, किसको निकालना है, वो तो हमारे ऊपर है। तो ओवरऑल एक आइसोलेटेड सिस्टम है जो बाहर किसी चीज से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, उस पर टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। एंड दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है कि एक नया पार्टिकल, एक पार्टिकल था जो न्यूट्रल था, अचानक वो चार्ज हो गया। हालांकि न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसा होता है, लेकिन जब वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हुआ है तो कहीं पे दूसरा उतना ही पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो जाता है, टोटल तब भी सेम रहता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर कि न्यूट्रॉन जो है वो स्प्लिट होकर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनाता है। तो न्यूट्रॉन तो खत्म हो गया, न्यूट्रल चार्ज गया, नए चार्ज पार्टिकल्स बने के नहीं बने। लेकिन एक प्रोटॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन बना, तो पहले चार्ज कितना था? जीरो। और अब जो नए पार्टिकल्स बने हैं, चाहे नया चार्ज, नए चार्ज वाले पार्टिकल्स क्रिएट हो गए, लेकिन टोटल तो उनका भी जीरो ही आएगा। तो ओवरऑल यूनिवर्स के सम में कोई चेंज नहीं हुआ, है ना, समझ में आई बात? सो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यूनिवर्स के सम में मतलब यूनिवर्स में जो चार्ज है उसके सम में। हालांकि नए पार्टिकल्स बनते हैं फ्यूजन रिएक्शंस में, तारों में, तारों में जहां से हम आए हैं, तारों से आए हम। एक वीडियो लेक्चर इस पे हम लोग बात करने वाले हैं कि यार ये जो एटम्स की फॉर्मेशन है, ये जो लाइफ है यहाँ पे अर्थ पे, जो लाइफ है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ बनता है। मतलब सवाल उठते हैं ना वो दिमाग में कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, है ना। तो मेरा तो भाई ये बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है कि तुम इस प्लेनेट पे आए हो और तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। तो एक मतलब एकदम बेहोशी में अंधों की तरह जीने वाला हिसाब हो गया वो, तो है ना। तो और इस रिसर्च में मज़ा भी बड़ा आता है, मज़ा इन द सेंस कि भाई जब तुम सोचने लगते हो, समझने लगते हो और इस तरफ कदम बढ़ाते हो कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कोई भी अप्रोच लो, साइंटिफिक अप्रोच लो, स्पिरिचुअल अप्रोच लो, इनफैक्ट दोनों को मिला के चलें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे हिसाब से, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से समझ में आती हैं, सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। तो
इसमें हम लोग एक सोच रहे हैं कि सीरीज लेकर आएं कि भाई साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिला के हम उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें कि हम कहाँ से आए हैं, कौन हैं। तारों से आए हैं बेसिकली, क्योंकि सारे एटम्स वहीं बनते हैं एंड वी आर मेड अप ऑफ एटम्स, तो ऑब्वियसली वहीं से आए। लेकिन और थोड़ी सी डेप्थ में बात करेंगे। तो हो रहा है वहाँ पे चार्ज क्रिएशन हो रही है, बट इतनी डेप्थ में हम लोग नहीं जा रहे हैं। और कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, फिर भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे एप्लीकेबल है, वो सारी चीज़ें बात की हैं। हम छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं ना बच्चों, आसपास के हमारा ये सिस्टम है, ये बॉडी है, ये दोनों इंटरेक्ट कर रही हैं, तो चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। आई होप समझ में आ गई होगी बात। नहीं आई तो रिवाइंड करके देख लेना। एक और वीडियो भी है, मैंने ट्वेल्थ के भी लेक्चर्स डालने शुरू किए थे पहले, लेकिन सोचा था ट्वेल्थ और इलेवेंथ के एक साथ डालूंगा, बट हो ही नहीं पाया। तो मैंने फिर इलेवेंथ के कंटिन्यू करने शुरू कर दिए, बट ट्वेल्थ के स्टार्टिंग के सिलेबस के मैंने फर्स्ट चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ था वैसे तो अभी डाल लेते हैं। हाँ, फर्स्ट चैप्टर हो गया था, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा यूनिट नहीं हुआ था, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर तो पूरा कवर कर दिया था, तो उसमें भी आपको ये सब मिलेगा, वो देख लो। बट अब कंप्लीट करेंगे पूरा, जेई वाले नीट वाले टॉपिक्स रह जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये तो सीबीएसई वाला ही है, उसमें तो हमारा अभी इलेवेंथ चल रहा है, तो फिर ट्वेल्थ का नंबर बाद में आएगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी मतलब एडिशन, इसका सिंपल मतलब है बिकॉज चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आपके सिस्टम में चार्जेस हैं Q1, Q2, -Q3 और आपको टोटल चार्ज निकालना है, तो आपने सिंपली बिना सोचे समझे क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप तो कह रहे थे ये मैथ्स वाला पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, हो क्या रहा है बच्चों? अभी भी नेचर की ही बात हो रही है। अगर मैं कहूँ तो मान लो एक बॉडी है जिसे +5 कूलम चार्ज है और एक बॉडी है जिसे -5 कूलम चार्ज है। जब आप इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाओगे या कॉन्टैक्ट में नहीं भी लाओगे और आप कह रहे हो जी सिस्टम का चार्ज कितना है, तो सिस्टम तो न्यूट्रल है ना ओवरऑल, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल सिस्टम हमारा क्या है, ओवरऑल सिस्टम हमारा न्यूट्रल है। तो उस न्यूट्रल सिस्टम को हम लोग कैसे बताएं? हम बोल रहे हैं इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आएगा जीरो। न्यूट्रल सिस्टम मतलब चार्ज क्या है, जीरो। इसीलिए तो हमने इनके पॉजिटिव नेगेटिव नाम रखे हैं। हम इनके नाम नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी रख सकते थे, हम इनके नाम सलमान और शाहरुख भी रख सकते थे, उस टाइम पे तो खैर नहीं थे वो, तो नहीं रख सकते थे, बट फिर भी चीज़ों को समझाने वाली बात है भैया, नाम में मत जाओ, कॉन्सेप्ट पकड़ो। तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा ही सोच समझ के रखा है, क्योंकि मैथ्स में भी काम आ रही है वो चीज़, मैथमेटिकली भी हैंडल कर रहे हैं उस चीज़ को और बिल्कुल सही रिजल्ट मिल रहा है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। रखे तो नेचर की वजह से थे, पॉजिटिव अच्छा नेचर, नेगेटिव गंदा नेचर, ऐसे नहीं, अपोजिट नेचर, मतलब कोई अच्छा नहीं कोई गंदा नहीं, दोनों बराबर, लेकिन दोनों अपोजिट नेचर के, ठीक। ये थी इसकी दो प्रॉपर्टीज़। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे हम लोग इसकी आते हैं बच्चों, और चार्ज की, किसकी और किसकी, और वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है बच्चों? क्वांटाइजेशन का मतलब समझ लो पहले, क्वांटाइज्ड, क्वांटा इसका मतलब होता है पैकेट, छोटा, मतलब एक टर्म है कंटिन्यूअस, एक उसके अपोजिट टर्म है क्वांटाइज्ड, इस तरीके से समझ लो। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि जो चीज कंटिन्यूअस नहीं हो सकती, मतलब जिसकी वैल्यूज कंटिन्यूएशन में नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं कि मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, मास से याद आया बच्चों, मास और चार्ज, जैसे चार्ज को हमने ये इस तरीके से डिफाइन किया, चार्ज की सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है, चार्ज की सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पार्टिकल, मैटर, जो भी बोलना है बोल लो, मतलब वो होती है, कहां से आती है, क्यों है, हमें नहीं पता, वो होती है। जैसे मास, मास को भी हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, मास को बचपन में तुमको कैसे डिफाइन करना सिखाया गया, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। अरे भैया, जब मुझे मैटर पता होता क्या होता, फिर तो मास भी पता होता। सो मास इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मैटर, एंड व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट इज मास इज कॉल्ड मैटर एंड ऑक्यूपाई स्पेस, रट्टे तो मारे हुए बचपन में डेफिनेशन की, एनीथिंग दैट इज मास इज कॉल्ड मैटर एंड व्हाट इज मास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। मतलब मास को मैटर की टर्म्स में डिफाइन किया, मैटर को मास की टर्म्स में डिफाइन किया, तो क्या पता चलेगा भैया,
एक्स को वाई की टर्म्स में, वाई को एक्स की टर्म्स में, रमेश कहाँ रहता है? सुरेश के घर के सामने। सुरेश कहाँ रहता है? रमेश के घर के सामने। पता नहीं है दोनों कहाँ रहते, ठीक। बट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मास इतना फंडामेंटल है कि उसको और किसी तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता। हम सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि है बस मास, और मास पे तो अभी तक रिसर्च चल रही है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, हिग्स बोसोन, ये सारी टर्म्स से फेमिलियर हो के नहीं, जिनको साइंस में इंटरेस्ट है। ये नहीं कि सिर्फ किताब को फॉलो करते जाए, बिल्कुल एनसीईआरटी हो कि हाँ इससे बाहर नहीं जाएंगे। जरा निकल के तो देखो क्या क्या रिसर्च चल रही है दुनिया में। गॉड पार्टिकल, ये सबने सुना होगा ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है, तो उन्होंने इसलिए ऐसा फैंसी सा नाम दे दिया गॉड पार्टिकल। होता है भैया, होता है, बहुत कुछ होता है। सो क्वांटाइजेशन की ऑफ चार्ज की हम लोग बात कर रहे थे। तो मास और चार्ज दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोनों में। जैसे चार्ज तो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल भी है, कि अगर कोई पार्टिकल है तो उसका चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, उसका चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, उसका चार्ज न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब हो सकता है उस पर चार्ज ही ना हो, है ना। लेकिन मास तो पॉजिटिव होता। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, डिफरेंस है मास और चार्ज के बीच में, कि मास क्वांटाइज्ड नहीं है। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि मास क्वांटाइज्ड नहीं है का मतलब है कि मास की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मतलब अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई दुनिया में क्या कोई ऐसी बॉडी हो सकती है जिसका मास 3.11 ग्राम हो, तुम कहोगे हाँ हो सकती है, क्या दिक्कत है। दुनिया में कोई ऐसी बॉडी हो सकती है जिसका मास ये हो सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन बच्चों चार्ज में क्या हो रहा है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन टूट के तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जब तुम दो बॉडीज को रब कर रहे हो जैसा मैंने अभी बताया, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, कम से कम क्या हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो। आधा ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जब तुमने दो बॉडीज को रब किया ए और बी को, तो मिनिमम भाई बहुत कम एनर्जी हुई उस रब करने से कम मिनिमम पॉसिबिलिटी देखूं तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, आधा तो नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि एक और हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो गए ए से बी पे? दो। इसका मतलब है कि इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हो सकते हैं। इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इंटीजर नंबर में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। या तो एक हो सकता है, या दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ढाई नहीं हो सकते, 2.5, ढाई। अरे बच्चों को ढाई का नहीं पता, डेढ़ का नहीं पता, डेढ़ मतलब 1.5, ढाई मतलब 2.5, ठीक है, काम आ जाती हैं टर्म्स आगे। सो पॉइंट में नहीं हो सकते, मतलब तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस बॉडी पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा और इस पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, चलो इसकी बात करते हैं पहले, फिर इसको समझाता हूं। इस पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स के ही इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसी मल्टीपल में बढ़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ नेगेटिव में, और इससे एन इलेक्ट्रॉन्स इस पे ट्रांसफर हो गए, तो इस पे कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? एन इंटू दिस वैल्यू, दिस इज द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय बॉडी बी, एंड दिस एन इज एन इंटीजर ओनली, ये कुछ भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ इंटीजर ही होगा। इसका मतलब ये है, हाँ एक मिनट, हाँ तो मैं कह रहा था कि n जो है वो इंटीजर हो सकता है सिर्फ, है ना, n जो है वो इंटीजर हो सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, दो होगा, टूट के तो नहीं होगा। हालांकि अब तो हमें ये भी पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन भी खुद और छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिनको क्वार्क्स बोलते हैं। तुम में से बहुत सारे बच्चों को ये बात पता होगी, और अगर उनके दिमाग में आ रहा है कि नहीं सर इलेक्ट्रॉन तो टूट सकता है तो वो क्वार्क वहाँ क्यों नहीं जाते, तो बच्चों क्वार्क से इलेक्ट्रॉन बना तो है, बट क्वार्क का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, अकेला क्वार्क नहीं हो सकता, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन या और पार्टिकल्स में ही होता है, उससे बन के जुड़ के और पार्टिकल्स बनते हैं, ऐसा नहीं है कि अकेला क्वार्क यहाँ चला जाए। समझ में आई बात? तो जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है जो ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो नेगेटिव चार्ज एन ई लिखा जा सकता है कि नहीं, है ना, कि वो ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चलो नेगेटिव लगा देते हैं, हमने वही सिंबल लिया था ना इलेक्ट्रॉन के लिए, हमने इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज बढ़ेगा वो इसी के इंटीग्रल मल्टीपल्स में बढ़ेगा,
और दूसरी बात यह है क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा यहां कितना चार्ज बढ़ेगा, प्लस ई, वहां कितना बढ़ेगा, माइनस ई, दो गए तो यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस टू ई, वहां पे कितना हो जाएगा, माइनस टू ई। इसका मतलब है कि मैं ये लिखूं प्लस माइनस में कि अगर n इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं बच्चों, तो जिस पे ट्रांसफर हुए उसमें इतना नेगेटिव चार्ज आया और जिस से ट्रांसफर हुए उस पे इतना पॉजिटिव चार्ज आया। तो आप ये इक्वेशन देखोगे बुक्स में जिसमें लिखा है q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि प्लस माइनस से, अगर क्योंकि बच्चे पूछते हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि प्लस माइनस क्यों लगा है, तो प्लस लगा है उस बॉडी के लिए जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और माइनस लगा है उस बॉडी के लिए जिस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। समझ में आई बात? ठीक है, चलो। तो ये हमारी एक तरीके से ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई है पहली, है ना। जैसी एक इक्वेशन आती है, कोई फॉर्मूला आता है, तो हमको न्यूमेरिकल तो उस पर करने हैं प्रैक्टिस, क्योंकि न्यूमेरिकल खूब पूछे जाते हैं, तो इस पर चलो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन अ कप Containing 10 moles of water. Moles आ गया, moles. केमिस्ट्री थोड़ी सी आनी चाहिए इस टॉपिक के लिए, मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्यों? अब देखो हमें क्या करना होगा, चार्ज निकालना है, तो चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे पहले, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए नंबर ऑफ एटम्स पता हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे एटॉमिक नंबर से। नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता होंगे, मोल कॉन्सेप्ट से। किसी भी अमाउंट में इतने ग्राम में कितने एटम्स हैं तो मोल कॉन्सेप्ट से पता चलता है ना आपको, तो मोल कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालेंगे, तो मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा आना चाहिए। 10 moles, 10 moles ऑफ वाटर, 10 moles ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना, 10 × 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना भैया, एक मोल में इतने होते हैं ना, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 moles में इतने हुए। अच्छा, हमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालना है, तो हमें तो या तो निकालने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भैया हम एक निकाल लें, ये तो न्यूट्रल है ना ओवरऑल, तो जिसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम कोई भी एक निकाल लें, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, प्रोटॉन निकाल लें। तो इतने मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, देखो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो है H2O, इसका एटॉमिक नंबर है 8, इसका 1, तो 8 प्रोटॉन्स इसमें है और 2 इसमें है, तो कितने, 2 मतलब एक, 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन में एक, दूसरे में एक, तो टोटल कितने प्रोटॉन्स है, 10। इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हुए, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 100, 10 तो ऑलरेडी है, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करा, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करा, तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया, यहां 2 0 बढ़ा दो, यानी के इतने प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हुआ बच्चों। अब इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो 1.6 × 10⁻¹⁹ से, क्योंकि एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ही चार्ज होता है। हम कैलकुलेशन के लिए ये 2 इग्नोर करके 1.6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, सो इट इज 96.6 × 10⁵ कूलम, पॉजिटिव नेगेटिव में इतना ही पॉजिटिव चार्ज है, इतना ही नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल कप में जो पानी है वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, एक और सवाल थोड़ा सिंपल सा है, बट वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन वन कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फाइंड करो। भाई एक बॉडी पे चार्ज है एक कूलम, मान लो एक बॉडी पे चार्ज है पॉजिटिव वन कूलम, तो सवाल ये हो सकता है कि उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल कर गए हैं। एक बॉडी पे चार्ज है माइनस वन कूलम, तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, वो हमको निकालना है। ठीक, तो इक्वेशन लगाओ सीधा, ये क्यू मतलब कितना चार्ज है उस बॉडी पे, वन, और एन हमने निकालना है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और ये भी कूलम, कूलम से कूलम कट गया। एन कितना आएगा, 1 upon 1.6 × 10⁻¹⁹, ये वैल्यू आती है बच्चों 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई है 1 कूलम, तो उससे इतने इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। अगर वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई है 1 कूलम, तो उस पर इतने इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे। ये वैल्यू, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं इसको। अभी हम चार्ज पे और बात करेंगे, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात करेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें एक मेथड है उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चार्ज को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर लिंक में इसकी वर्कशीट अटैच कर दी गई है, एक हमारा फॉर्मूला अब यहाँ पे आ गया, तो इस पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वर्कशीट अटैच कर दी है, उस वर्कशीट के कुछ जो थोड़े मतलब वैसे उसमें सिंपल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस पे इतने कोई क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी उसमें से कोई एक दो जो मुझे लगेंगे डिफिकल्ट है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। तब तक आप उस वर्कशीट को पूरी सॉल्व करके रखना। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। 95% से ज़्यादा हमको लेने ही लेने हैं बच्चों, ठीक है? स्ट्रिक्टली फॉलो करना, जो जो दे रहा हूँ, जो जो काम दे रहा हूँ, उसको करके रखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।